नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज। जय हो। और मैं हूं उत्कर्ष द्विवेदी। दोस्तों, मैं यहां UPPCS PRE 2017 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो अभी तक विभिन्न जो कोचिंग संस्थान तथा आंसर कीज जो निकालने वाले लोग और जो चैनल्स हैं और जो तमाम तरह की संस्थाएँ हैं, अभी तक उन क्वेश्चंस का सही ढंग से आंसर या तो पता नहीं कर पाए हैं और या तो एक दूसरे की नकल करके उन्होंने दे दिया है अपने आंसर की में, लेकिन उनको खुद जवाब मालूम नहीं है। सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब UPPCS आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग अपनी आंसर की जारी करे और लोगों को सही आंसर मालूम चले। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर वो तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी तक जिन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, तो हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपका शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कंफ्यूजिंग रहा है वह, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। मानव विकास सूचकांक जो भारत का जो प्रकाशित होता है उसके अनुसार महाराष्ट्र सबसे ऊपर है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन लिंगानुपात में दोस्तों ये स्थिति नहीं है। लिंगानुपात में आपको पता है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा लिंगानुपात में सबसे नीचे स्थान पर है। तो दोस्तों, सीधे सीधी बात है और कोई दिमाग नहीं लगाना, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आप आयोग कोई भी आंसर दे, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज करेंगे, इस क्वेश्चन का जहाँ तक मुझे विश्वास है सबको बराबर नंबर मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, दूसरा सवाल जो कंफ्यूजिंग रहा है वह, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है। तो दोस्तों, इसमें जो तमाम मैंने देखा आंसर कीज में, उसमें जो है सी, मतलब बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों, यह गलत है। इसका प्रावधान हालांकि इस रूप में नहीं है, लेकिन अन्य उसमें एक ऐसा प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जिससे बच्चों का जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो वितरित की जा सकती हैं, इसलिए सी नहीं होकर इसका आंसर डी होगा। डी मतलब 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। दोस्तों, आप ICDS गूगल पे सर्च करिए या जो भारत सरकार की योजना है उसमें देख लीजिए, या आपके आसपास कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, आशा जो कार्यकर्ती है वो है, उसके पास देख लीजिए, लिखा हुआ मिल जाएगा कि 3 से 6 वर्ष की न हो करके 0 से 6 वर्ष, जी हाँ 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, ये होना चाहिए था। तो इसका आंसर डी होगा। अच्छा दोस्तों, इसके आगे हम बढ़ते हैं। पेपर आपका जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ ही रहे हैं, इसका इंग्लिश पढ़िए। सीधे सीधे दिया है, द साइज ऑफ द रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर RSPM इन एयर इज। दोस्तों, इसका आंसर 5 माइक्रोन से कम होगा। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स पे या अखबारों में पढ़ा होगा PM 2.5, तो 2.5 क्या है, 2.5 माइक्रोन है, जो 5 माइक्रोन से कम है। ठीक है, वैसे तो श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है वो 0 से 10 माइक्रोन तक होता है, लेकिन हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों, जो इसका पूछने का जो मोटो है उसके अनुसार 5 माइक्रोन से कम वाला होगा। ये दोस्तों, ये जो कण होते हैं बहुत ही घातक होते हैं, ये हम नाक के द्वारा हमारे श्वास नली में प्रवेश करते हैं तथा शरीर को बहुत हानि पहुंचाते हैं।
अच्छा दोस्तों, अगले प्रश्न में हम आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ा है और ये कथन और कारण है, एक्सप्रेशन और रीज़न है, और रीज़न इसका दिया है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। दोस्तों इसका आंसर ए होगा, मतलब ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एस का सही कारण है। सीधी सी बात है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि ये गरीबी और अमीरी के बीच फ़र्क बढ़ा रहा है, ठीक है। मौसम का जो ये जुआ है, इसके कारण जो किसानों की स्थिति और बदतर होती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीरों पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है लेकिन गरीबों पर इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, उनकी खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जाहिर है कि सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन आया था, ग्रीन हाउस गैस और स्रोत इनमें ये बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बहुत लोगों ने आंसर कीज में अपने दिया ये आंसर नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत। अक्सर लोग आपने ही पढ़ा होगा कि जलमग्न धान के खेत से मेथेन गैस निकलती है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है, इसलिए ये आंसर न होकर ऑटोमोबाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों वो कुछ विशेष जो इंस्ट्रूमेंट्स जो बने होते हैं, जैसे एसी हुआ, फ्रीज हुआ, जिनमें प्रशीतक का इस्तेमाल होता है, फ्रेयान गैसों का इस्तेमाल होता है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो इक्विपमेंट्स जो इससे रिलेटेड होते हैं, ये प्रशीतन से रिलेटेड होते हैं, उनसे हमारा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक है, जो ओजोन के लिए मेनली जो है घातक है। हाँ, ये इसका ऑटोमोबाइल ये बी होगा आंसर, ठीक है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो इसका आंसर सीधे सीधे, इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, 0.03%, एक्चुअली 0.029% होना चाहिए, तो इसके आसपास का हमको बताना है, तो 0.029 को अगर आप अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो उसका 0.03% होगा, इसका बी आंसर होगा। अच्छा, इसके जस्ट बाद का क्वेश्चन है, बहुत ही विवादित है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। दोस्तों वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, मात्रा अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा होता वर्षा निर्भर करती है तो इसका आंसर सीधे सीधे तापक्रम हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ मात्रा दिया है, तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल के नमी पर निर्भर करेगी। वायुमंडल में अगर नमी नहीं रहेगी, अगर आर्द्रता नहीं रहेगी, जल नहीं रहे, जल की मात्रा नहीं रहेगी, तो कितना भी तापक्रम ऊंचा नीचे हो उससे जो है वर्षा की मात्रा फर्क नहीं पड़ेगा, वर्षा होगी ही नहीं, है ना। तो वर्षा कितनी होगी वायुमंडल के में नमी पर निर्भर करता है, इसका आंसर होगा बी। इसी तरह जब एक और विवादित क्वेश्चन बना दिया गया, विवादित है नहीं, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, इसका दोस्तों आंसर होगा प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों के विनाश से। इसको मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैव विविधता को ह्रास तो जलवायु परिवर्तन और अन्य भी जो कारण हैं, ठीक है, उनसे हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों का विनाश ये मेन कारण है जैव विविधता ह्रास का, जो आज जैव विविधता पर जो संकट उत्पन्न हुआ है, जो तमाम तरह के जो प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, जो विलुप्त प्राय हो चुके हैं, विलुप्त प्राय श्रेणी में जा चुके हैं, उनका मेन कारण यही है कि उनका प्राकृतिक निवास स्थल एवं वनस्पतियों का विनाश हो चुका है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद उसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। इसमें चार दिया है, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, बिल्कुल सही है, तैल चालित स्वचालितों के संख्या विस्फोटन, बिल्कुल सही है, सौर धधक में वृद्धि। दोस्तों ये देखिए, आपको कंफ्यूज कर दिया इसने, सौर धधक में वृद्धि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी ये कारण नहीं है, सौर ज्वाला में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जो है हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी वजह से
सूर्य का जो ताप है वो हमको ज़्यादा मालूम पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अवशोषण हो रहा है उनका, वो वायुमंडल में पुनः परावर्तित नहीं हो पा रहे हैं, सौर दथक में वृद्धि थोड़ी हो रही है। और चौथा जो है अत्यधिक वनोन्मूलन, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी होगा, 1, 2 एंड 4। अच्छा दोस्तों, इसके बाद भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों, राज्यों का संघ, आपको पता है कि भारत में जो संघीय जो ढांचा है, जो अर्धसंघीय जो ढांचा है भारत का, मिला जुला जो संघात्मक एकात्मक का जो रूप है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों, इसने इसमें क्वेश्चन में कनाडा न दे करके उसके स्थान पे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम दिया है, तो यही सही होगा। कनाडा के ही पूरे पार्ट को जो है पहले ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ही कहा, उसके जो कानून है उनको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी कानून कहा जाता है, तो वहाँ से हमारा जो है राज्यों की संघ की संकल्पना ली गई है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों बुलक कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया, उसमें हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया है। इसका आंसर सीधे सीधे सी हो जाएगा, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है, ठीक है, कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है, इसका आंसर सीधे सीधे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाँ, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटू फल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए, बिल्कुल सही दोस्तों, दोनों बिल्कुल सही है। चैत्य जो, देखिए जान लीजिए कि चैत्य जो अधिकतर जो चैत्य हैं उनका निर्माण चट्टानों को काट कर हुआ है। कुछ विशेष चैत्य एक दो होंगे जिनका जो है पत्थरों से ईंटों से निर्माण किया गया है, लेकिन जो मैक्सिमम जो चैत्य हैं वो उनका निर्माण जो है वो चट्टानों को काट कर ही हुआ है। चैत्य का अर्थ ही होता है चट्टानों को काट कर, चैत्य, ठीक है। तो इसका एक और दो दोनों सही होगा, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन था कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्या दोस्तों अनुकूल था, बिल्कुल नहीं अनुकूल था। यहाँ से सामान जा रहा था, उसका उचित मूल्य यहाँ पे लोगों को, कच्चा माल यहाँ से जा रहा था, ठीक है, बाद में कच्चा माल यहीं पर निर्माण होने लगा, वो विदेश जाने लगा, लेकिन उसका उचित मूल्य यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता था, तो अनुकूल नहीं था, बिल्कुल गलत है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। धन अप्रतिफलित निर्यात, जो निर्यात होता था वो उसका जो है लाभ नहीं मिल पाता था, ये बिल्कुल सही है, आर सही है, ए गलत है और आर सही है, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन तरफ आते हैं। पाबना विद्रोह, ये विद्रोह दिया है और वर्ष दिया है, ये क्वेश्चन दोस्तों इसका ऑप्शंस गलत है, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह दोनों का समय गलत दिया है, ये क्वेश्चन भी बाहर होगा या सबको नंबर मिल जाएगा जो हो, इसको आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। दोस्तों देखिए, आप जो है ओरिएंट ब्लैक स्वान की एक बुक आती है इतिहास की, उसको आप आधुनिक इतिहास अगर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो है मेनली नागपट्टनम, चिंसुरा, पचलीपट्टनम में स्थापित किए थे। हालांकि वो सूरत, भरूच, आगरा में इनकी व्यापारिक कोठियां थी, ठीक है, व्यापारिक कोठियां थी, लेकिन वो अस्थाई थी। तो वैसे तो अगर अस्थाई का मान के चले तो इसमें डी आंसर होना चाहिए, उपरोक्त तो सभी होना चाहिए, लेकिन अगर अस्थाई व्यापारिक अड्डों की बात हो रही है यहाँ तो ए आंसर होगा। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा यूपीपीएससी क्या इसका आंसर देता है,
थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन दोस्तों, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपसे, इसका आंसर पता चल जाएगा। योग लोगों से बात हो रही है हमारी, कहाँ से उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है उससे पता चलेगा कि क्या उनका आंसर रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? दोस्तों इसका आंसर एम ए जिन्ना होंगे, एम ए जिन्ना इसलिए भी होंगे, लॉजिक लगाइए आप। एम ए जिन्ना वह व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, और ये जो स्वराज दल बना था वो असहयोग आंदोलन की विफलता के फलस्वरूप बना था, ठीक है। तो इसका एम ए जिन्ना ने पाला बदलते हुए इसका स्वागत, इसका समर्थन किया था, तो इसका आंसर होगा एम ए जिन्ना। हाँ, अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। बहुत लोगों ने क्वेश्चन मुझसे किया कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, देखिए इसमें तो दिया नहीं है, वैसे तो विशाखापट्टनम भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, किंतु दोस्तों कोचीन पर अगर आप ध्यान दें, कोचीन सबसे बड़ा भारत का जो शिपयार्ड, जो यार्ड है, ठीक है, वो कोचीन में है। जो बड़े बड़े जो हमारे वायुसेना के जो अड्डे हैं वो कोचीन बने हुए हैं, वहाँ बेस, जो बेस लाइन है, जो भारत की जो बेस लाइन है, उससे काफ़ी गहराई पर जो है कोचीन बंदरगाह, जो बंदरगाह जो है कोचीन, जहाँ पर ये कार्गो वगैरह उतारे जाते हैं, वो काफ़ी गहराई पर है, ठीक है। पारादीप और कोचीन में लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि ये कंफर्म है कि पारादीप से तो गहरा है कोचीन, चेन्नई कोचीन से भी गहरा है। अभी हाल ही में चेन्नई को सबसे बड़ा, सबसे गहरा बंदरगाह घोषित किया गया है, लेकिन इसमें चेन्नई भी नहीं है, तो इसका आंसर कोचीन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इसका आंसर होगा ससाइनी, ठीक है। सियाचिन बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन सियाचिन नहीं होगा, ससाइनी होगा इसका आंसर। ससाइनी लंबाई में सियाचिन का दो गुना बड़ा है, सियाचिन की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है, जबकि ससाइनी का जो लंबाई है 158 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों ससाइनी होगा। हाँ, और जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जो कंफ्यूजिंग है, बाकी सबका आंसर तो लोगों को पता चल गया है, सभी ने लगभग सही आंसर दिए हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? बहुत बड़े बड़े विद्वानों का हमने आंसर की देगा, और उनका मैंने सुना भी, उन्होंने मस्तिष्क को इसका आंसर सही माना है, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, इसका आंसर हृदय होगा। उसका कारण मैं बताना चाहूँगा, मस्तिष्क क्यों नहीं होगा इसका कारण मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन इसका हृदय क्यों कारण होगा ये मैं बताना चाहता हूँ आपसे। दोस्तों हमको दर्द क्यों अनुभव होता है? कहीं भी हम अगर सुई चुभाएं या चोट लग जाए तो हमको दर्द क्यों अनुभव होता है? क्योंकि हमारे जो स्नायु तंत्र हैं, जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्र है हमारे, वो हमारे मस्तिष्क से अटैच होते हैं, वो वहाँ पर संकेत भेजते हैं, वहाँ से डिकोड होकर आता है, हमको पता चलता है कि हमको चोट लगी है और हमको दर्द होता है। अगर इनका कनेक्शन मस्तिष्क से काट दिया जाए तो हमको दर्द का अनुभव नहीं होगा, इसलिए मस्तिष्क तो अपने आप बाहर हो जाता है। हृदय क्यों होगा? इसका कारण यह है कि हमारे हृदय में कोई भी तंत्र नहीं है। अगर तंत्र नहीं है तो उसको दर्द, जब हमको सुई चुभाएंगे उसमें, तो उसमें कोई, जब तंत्र नहीं है तो कोई सूचना प्रेषित नहीं होगी मस्तिष्क को, जब सूचना प्रेषित नहीं होगी तो हमको दर्द नहीं होगा, इसका आंसर हृदय होगा। अच्छा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? देखिए दोस्तों, इसमें दो सवाल बनते हैं, एक होता है किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात सबसे भारी होता है, एक होता है किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो सबसे भारी में डॉल्फिन होगा, लोगों ने गलत प्रेडिक्ट किया है, तो इसका जो है आंसर चींटी होगा।
चीटी को आप देखिए, अनुमान लगा लेंगे आप कि उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको टफ बना दिया गया है, ठीक है, चीटी होगा इसका आंसर। इसके बाद आपका क्या बचा है, ये लास्ट पेज है आपका चल रहा है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है, एंटीना छोटे होते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, एंटीना छोटे होते हैं ये कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं तो उससे बरसात ना हो हो उससे क्या मतलब है, एंटीना छोटे होते हैं अगर ये कारण होता तो बरसात ना होती तब भी हमारे पास सिग्नल ना आते, तो इसका आंसर ये पहला वाला हट जाता है, बाकी दोनों सही हैं, तो इसका सी आंसर होगा, टू एंड थ्री, ठीक है, वो आप आंसर कीज में मत जाइए लोगों की, गलत सलत दिया है उन्होंने। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये इसमें ऑप्शंस गलत दिए हैं, इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था फोर्थ थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद मेक इन इंडिया, ओके, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना और फिर अटल पेंशन योजना आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका निगलेक्ट कर दीजिए, इसका देखते हैं क्या करते हैं, हालांकि आयोग इसका जो है हो सकता है सबको नंबर बराबर दे दे, ठीक है। दोस्तों इस बार आयोग ने जैसा कोई उम्मीद थी कि विवादित क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 7-8 क्वेश्चन इन्होंने इस तरह के बना ही दिए, आयोग अपनी क्या कहें मूर्खता से बाज नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे खुद चाहता है कि लोग जो है कोर्ट में जाएं और परीक्षाएं बाधित होती रहें, ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात है, बाकी आपको जो पूछना हो और जो सोर्स आपको पता करना हो कहाँ से हमको पता चला है, हम आपको सोर्स दे देंगे, आपको डिस्कस कर देंगे आपके साथ, हाँ ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।